रोना मत, नहीं तो फिर से चालू होगा। ठीक है, रोते नहीं है। टाइम देखो ऊपर, वो 12 पे आके हम रोक देंगे। रखो सच्ची कहानी। आज हम जो सच्ची कहानी आपको बताने वाले वो अभी ही हुई है। क्या करूँ, अब करूँ इस तरीके से आध्या को देखना और उसको ऐसा ट्रीटमेंट कराना बहुत टफ है और दिल दहलता है जब आप उसको जबरदस्ती पकड़ते हो ना, तो दिल दहलता है। बट क्या करें, ये भी करना जरूरी है। अब बीमार हो गई तो उसको ठीक तो करना ही है। आध्या बहुत दिन से बीमार चल गई थी, 31st को ज्यादा बीमार हो गई। वी रिमेम्बर आध्या मेरे बगल में लेटी हुई थी और ऐसे सांस ले रही थी। ना मुझे डर लगने लगा कि ऐसे सांस ले रहा है बच्चा भाई। मैंने तुषार को ये बात हाईलाइट की और तब तक पापा मम्मी भी दमन से वापस आ गए न्यू ईयर बना के। वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। जा खेलो। हम लोग इसका घर पे ट्रीटमेंट कर रहे थे और स्पेशली नानी जो है वो कुछ कुछ देसी इलाज भी कर रही थी, बट चीजें वर्क करना स्टॉप हो गई और एक समय ऐसा आया कि आध्या लिटरली फेंट हो गई। वो अनकॉन्शियस हो गई, बीच बीच में आंख खोल के देख रही, फूट फूट के रोने लगी मम्मी। हम लोग उसको हॉस्पिटल इमीडिएटली लेके गए। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर ने बोला कि इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, ये सांस नहीं ले पा रही है, ये फेंट इसलिए क्योंकि सांस नहीं ले पा रही है। हम सब एकदम दहल गए थे। आध्या इतनी चेयरफुल और इतनी चर्पी लड़की है, बोल ही नहीं रही थी, उसके मुंह से आवाज निकलने दी ना, ऐसा बेहोशी जैसे सोए जा रही कुछ नहीं बोल रही, रो रही। और फिर जब उसके हाथ में वो इंजेक्शन लगा ना जिसने उसको सिरिंज चढ़ी, इतना पेनफुल था उसका वो छोटा सा हाथ जिसपे वो सिरिंज लगी हुई थी। नस ढूंढते हैं, मतलब वो टाइम हम देख नहीं सकते यहाँ कहाँ नस है, छोटा बच्चा। और उसके यहाँ घुसा के पूरा प्लास्टर कर दिया और उसका हाथ ऐसे ही फूट फूट के रोया, ये भी फूट फूट के रोए। मैं और पापा जी स्ट्रॉन्ग थे, ये लोग फूट फूट के रो रहे थे और मेरी मम्मी बीमार थी। बहुत टफ था यार, पेरेंट्स समझ सकते हैं, एक माँ बाप के ऊपर जो बीतती है ना वो हम ही समझ सकते हैं। लोग इतना ज्यादा डिप्रेस थे ना कि मैंने फिर थोड़ा सा डेकोरेशन करवाया हॉस्पिटल में और उस डेकोरेशन को देख के आध्या बहुत खुश हो गई। वो बलून के साथ खेलने लगी और ये खेलने के कारण ना उसका मनोबल बढ़ा और वो जल्दी रिकवरी करने लगी। जिस समय आपका बच्चा बीमार है, कभी भी उसके सामने बार बार ये बीमार हो गई, ये बहुत रोई, इसने दूध नहीं पिया, बार बार रिपीट करेंगे तो वो बहुत सिंपैथी लेने के लिए और सिंपैथी सीकर हो जाएगा। तो उसको बोलो कोई बात नहीं हो जाएगा। ये चीज पूरे मेरे फैमिली में मैंने देखी। माँ भी उसको बहुत पंप अप कर रही थी, मम्मी भी बहुत पंप अप कर रही थी, मैं भी बहुत पंप अप कर रही थी। खुशाय था जो उसको यही पूछे जा रहे, तू बीमार हो गया, तू बीमार हो गया। पूरा टाइम ऐसे लगा हुआ था। बट हाँ, हम लोग सबने ये चीज मेक श्योर की कि हम आध्या को इस समय स्ट्रेंथन करेंगे, उसका मनोबल लिफ्ट करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ, जैसे ही उसने अपने आप को पंप किया ना, अगले दिन वो डिस्चार्ज हो गई। नया साल पता नहीं हर बार ऐसे होता है। लास्ट ईयर भी हमें कोविड हो गया था। हाँ। क्या 1 जनवरी को कोविड खेलते हम लोग? हाँ? हमें नहीं खेलना ये गेम, हमें न्यू ईयर मनाने दो। बट कैसी लगी हमारा ये किस्सा, हमने सोचा अभी हो रहा है और आप लोग को आज के आज बताए। बहुत सारे पुराने किस्से हमने आपको बताए, इस बार मैंने सोचा आप लोग को आध्या से भी मिला लूं। इतनी बीमार है, कितने सारे लोगों ने कमेंट्स एंड कम्युनिटी पोस्ट में बातें की हुई आध्या के बारे में, तो ये एक सही तरीका था आप लोगों तक राइट मैसेज पहुंचाने का। मैसेज यही है कि बुरे से बुरे समय को आपका बच्चा निकाल देगा अगर आपकी माँ, आओ माँ, जितनी भी माएं हैं वो मेरे साथ हाथ मिलाओ, अगर माँ स्ट्रांग होगी तो। इसी बात पे ये वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे लिए प्रे करने के लिए, आध्या के लिए प्रे करने के लिए। वी लव यू। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हाँ बोल, ये दो स्ट्रांग बच्चे बैठे हैं क्योंकि यहाँ दो स्ट्रांग मम्मियां बैठी। मैं किसने कैमरा खोला था, मैं अपने वीडियोग्राफर को दिखाना चाहता था। मिलिए मयूरी जी से जो घर का काम संभालती है, बच्चे को संभालती है, वीडियो शूट करती है, पता नहीं बहुत टैलेंटेड लड़की है। बाय।